लेट अस स्टार्ट विद अगेन बेटा, मेरे पास जो है एक्सरसाइज 11.2 फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन एंड क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। लेट अस स्टार्ट विद द सेम कॉन्सेप्ट, टू ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम आउटसाइड द पॉइंट। ओके, तो फॉर दैट बेटा व्हाट इज रिटन इन क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस, इट इज रिटन 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, जितना कहा गया उतना हम स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं। ओके, तो मैंने 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करने लगी हूँ, ड्रॉ कीजिए मेरे साथ साथ। ओके, लेट अस ड्रॉ अ सर्कल। ऑल ऑफ यू ड्रॉ दिस सर्कल इन योर कॉपी। ओके, तो ये मेरा सर्कल ड्रॉ हो गया, दिस इज द सेंटर। ओके बेटा, एंड दिस इज ऑफ 3 सेंटीमीटर, इट इज गिवन टू मी। पहले ही स्टेप हो गया। नाउ व्हाट इज रिटन हियर, टेक टू पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन वन ऑफ द एक्सटेंडेड डायामीटर ईच एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अब उसने कहा है कि 7 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है, दोनों डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे, ये डायमीटर है, लेट अस ड्रॉ द डायमीटर, और सेंटर से दे राइट कि सेंटर से 7 सेंटीमीटर की दूरी पे आप जो है यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए पी और इधर से पॉइंट ले लीजिए क्यू। ओके, मैंने 7 सेंटीमीटर की। ओके, दिस इज 4 7 सेंटीमीटर। एक साइड पे पी मार्क कर दीजिए, एक साइड पे क्यू मार्क कर दीजिए जल्दी जल्दी। दोनों 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ये ओरिजिन है, सेंटर जीरो मैंने लेबल किया। ओके, एंड दिस इज रिटन 7 सेंटीमीटर। ओके बेटा, इतना ड्रॉ कर लिया सबने, थम्स अप कर दिया करो अगर आपका ड्रॉ हो गया, सो दैट आई कैन कम टू नो यस यू हैव डन दिस। ठीक है जी। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, नाउ ड्रॉ द टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। अब मैंने इन दोनों से यहां पर पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर, अब मैंने बाकी सब कुछ भूल जाना। मैंने आपको कल भी बताया था मुझे सेंटर और जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करनी है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होता है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, हाफ से ज्यादा ओपन किया, एक इधर और एक आंख इधर, ठीक है, ड्रॉ कर दी उतने ही आंख से। अब आपको छोटा बड़ा नहीं करना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो आपको पता ही है बेटा। ओके बेटा, तो अब मेरे पास जो है यहां पर ये पॉइंट और ये पॉइंट, मैंने दोनों को ज्वाइन किया, मेरे पास जो है ये देखे, हो गया। अब क्या करते हैं, सेम इधर पहले चलो एक साइड का तैयार कर लेते हैं, फिर दूसरी साइड पे जाएंगे। अब नया सेंटर आ गया ना, हम हमेशा बोलते हैं नया सेंटर आ गया। आगे अब नए सेंटर पे कंपस रख के हमने क्या करना है बेटा, नए सेंटर पे कंपस रख के हमने चेक करना है, पुराने सेंटर तक ओपन करना है और सर्कल पे एक नीचे और एक ऊपर आर्क लगा दें। ओके, देखिए ये दोनों आर्क्स लग गए मेरे पास। अब क्या करते हैं इसको, ये एक्सटर्नल पॉइंट से मेरे पास टेंजेंट्स आ गए, तो लेट अस ज्वाइन दिस। ये देखिए ये बिल्कुल एक ही पॉइंट पे टच करेगा और ज्वाइन दिस, ये देखिए। ओके बेटा, सेम प्रोसीजर यू कैन फॉलो ऑन दिस साइड, सेम प्रोसीजर। अब क्या करोगे, पुट द कंपास हियर और पुट द कंपास हियर, फर्स्टली आप जिस पे मर्जी कर लीजिए, ओपन मोर देन हाफ, ठीक है, इधर किया, अब इधर से इधर और ऐसे, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, यहां पर ज्वाइनिंग करें इसको,
I join the cross with cross. Neatness matters a lot here. ठीक है, rubbing नहीं करनी, construction में allowed नहीं है, कुछ भी allowed नहीं. अब नया center आ गया, अब नए center पे again दोबारा आप compass रखोगे, पुराने center तक open करोगे, okay? फिर circle पे एक आंख इधर और एक आंख नीचे, देखिए लगा दिया. अब उसके बाद क्या करोगे बेटा, मेरे पास जो है इसको ज्वाइन करोगे. चलिए ज्वाइन कीजिए. अब यू हैव टू लेबल इट. दिस इज पी ए, ये बी, दिस इज सी, दिस इज डी. मैयर पी ए पी बी सी क्यू सी डी, सबकी लेंथ सेम होगी क्योंकि डिस्टेंस इधर से भी सेम था, इधर से भी सेम था. और टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ, ये और ये तो बराबर होंगे. अब इधर भी डिस्टेंस सेम था, ये और ये बराबर है, तो ये आपस में भी सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे. सच टाइप ऑफ फिगर इज फॉर्म. और ये लेंथ मेजर करके आप लिखोगे. मेरी रफली जो है लेंथ ना, मैं आपको बताती हूँ, 6.5 आ रही है. आप चेक कर लो अपने में आपकी कितनी आ रही है. मेरी 6.5 लेंथ आ रही है. ओके, सबको क्लियर है मैंने कैसे ड्रॉ किया. अगर अभी नहीं बनाओगे बेटा तो प्रॉब्लम आएगी आएगी. मैं क्लियर कट कह रही हूँ. ओनली दक्षिता इज सेइंग ओके मैम. बाकी बच्चे, बाकी होने बेटा स्टडी नहीं करनी. वेरी गुड दिव्यांश, वेरी गुड. सबको क्लियर हो गया. कोई देसा दिखा सकते हैं किसी ने बनाई है. कैन यू शो मी बाय जस्ट द वीडियो ऑन. यस तानिया, शो मी योर कॉपी सो दैट आई कैन पिन योर. वेरी गुड आर्ची, लेट मी पिन. वेरी गुड तानिया, वेरी गुड, वेरी गुड आर्ची. एनी अदर स्टूडेंट हु इज मेकिंग गुड बेटा, गुड. दिस इज द स्पिरिट. बाकी और किसी बच्चे ने बनाई है? वेरी गुड मैक, लेट मी पिन योर. ओके गुड प्रिंसी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. देखिए देखिए फोर फिगर्स जो है मुझे विजिबल हो रही है. आप लोग देखिए, थ्री स्टूडेंट्स ने बनाई है, बाकी भी साथ साथ पार्टिसिपेट कीजिए बेटा. वेरी गुड तान्या, प्रिंस प्रिंसी एंड महक, वेरी गुड बेटा, गुड गुड बेटा. चलिए अब मेरे पास हो गए, नेक्स्ट हम करते हैं. ठीक है, वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट फिगर चलते हैं. ठीक है, लेट अस ड्रॉ द नेक्स्ट फिगर. क्योंकि आप हैंड से बनाओगे नहीं ना बेटा, तो आपको प्रॉब्लम आएगी. लेट अस ड्रॉ विद क्वेश्चन नंबर फोर्थ. चलिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कर रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आता है ना क्वेश्चन ये वाला. दे राइट ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. उन्होंने लिखा है कि 5 सेंटीमीटर पे रेडियस उन्होंने ड्रॉ किया, विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. जो है मेरे पास, उसने कहा एक पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करना है ऐसे, और ये एंगल दे दिया मुझे 60 डिग्री. ओके, इट इज रिटन देयर कि मेरे पास जो है ये 60 डिग्री का एंगल दिया मुझे, ऐसी फिगर बनाना. अब अगर बेटा ये 60 डिग्री का जो दिया हुआ है, अब मैंने क्या करना है यहां पर, देखो ध्यान से. मुझे पता है रेडियस और टेंजेंट आपस में 90 डिग्री के होते हैं. मैं ये सीधा 60 नहीं बना सकती हूँ. अब अगर ये 90 है, ये भी 90 है, तो ये एंगल मैं निकाल सकती हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी से, निकाल सकती हूँ ना. ये 100% मेरे पास 120 आएगा. तो अब मैं क्या करूंगी यहां पर, सबसे पहले कैसे बनाऊंगी फिगर बाद में बनाती हूँ, पहले आपको समझाती हूँ. मैंने एक पहले सर्कल ले लेना, ओके, जितने भी रेडियस का दिया, कोई एक रेडियस मैंने ज्वाइन कर लिया. रेडियस के साथ ये वाला एंगल
मेरे पास कितना दिया 120 डिग्री, तो मैंने यहां से 120 डिग्री एंगल बनाना है और मैंने ये बना दिया, यानी ये इतना पार्ट मेरा ये रेडी हो गया। अब ये कॉर्नर एंगल्स कितने हैं, 90 90, मैं यहां पर 90 बनाऊंगी, मैं यहां पर 90 बनाऊंगी, ये अपने आप यहां 60 पे मीट करेगा बेटा 100%। चलो अब मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ओके लेट अस ड्रॉ। हमें सबसे पहले सर्कल दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो मैं 5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करके आई एम ड्रॉइंग अ सर्कल। चलो बेटा ड्रॉ ए सर्कल, हरिए मैं ये रब करने लगी हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ड्रॉ अ सर्कल, जल्दी जल्दी सारे बच्चे बनाइए। सेंटर मार्क कर लिया करो, नहीं तो ये देखिए, ओके क्लियर मेरे पास। अब मैंने क्या करना है यहां पर, व्हाट आई हैव टू डू, मैंने कोई एक जो है रेडियस ज्वाइन कर देना, कहीं पे भी मैंने ये ज्वाइन कर दिया, ओके क्लियर बेटा। अब एट द सेंटर मैंने एंगल कितना बनाना है, 120 डिग्री, ओके तो 120 बेटा कंपास से डी से नहीं बनाना, प्रोटेक्टर से नहीं बनाना, कंपास से बनाना है। कैसे बनाते हैं हम, आर्क बनाएंगे छोटी सी, ठीक है सेमी सर्कल टाइप एक आर्क बनाई, ठीक है। अब 120 बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, 160 बनाएंगे, ओ सॉरी 60 फिर 60, ये 120 हो गया, ओके और मेरे पास जो है इसको मैंने ज्वाइन किया, कर दिया मैंने। अब मुझे यहां पर भी 90, यहां पर भी 90। अच्छा कई बच्चों से 90 करेक्टली नहीं बनता है, घबराने वाली बात नहीं, पहले प्रोटेक्टर से बना दो फिर सेमी सर्कल करके ज्वाइन करो, वो चलाकी होती, बट कोशिश कीजिए प्रॉपर बनाने के लिए। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। अब देखो यहां बनाना है तो मैंने ये सेमी सर्कल बनाया, ओके मैंने यहां पर आर्क लगाई, दो आर्क्स, ओके एक 60 की एक 120 की, ये मेरा 90 बन, ठीक है। अब मैं इसको ज्वाइन करूंगी बेटा, लेट अस ज्वाइन इट विद ये, ओके क्लियर। अब इधर भी बनाए, लेट अस ड्रॉ हियर आल्सो, ड्रॉ अ सेमी सर्कल, अपनी कॉपी अपनी तरफ बेस बना लिया करो, ठीक है ये लीजिए। अब 60 120 देन ये 100% ये ज्वाइन करेगी कहीं ना कहीं पे, ये मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा थोड़ा सा, ये लीजिए ये अपने आप एंगल 60 डिग्री का बनेगा। यहां लिखोगे 120 डिग्री, 95 सेंटीमीटर, 90, ओके लेबल इट ओ ए बी सी, और ये लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ना बराबर होंगे, 100% बराबर होंगे, और लिखते जरूर है, चाहे पूछा या नहीं पूछा आपने मेजर करके इसको सेंटीमीटर में लिखना ही लिखना, ओके और ये शो भी जरूर करना है कि आपने एंगल ओ कैसे निकाला, एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी दैट इज 360 डिग्री, का वन मार्क होता है पूरा कैलकुलेट करने का, और ओ कैलकुलेट करना है ये 90 और सी पे 90 मेरे पास और ये 60 डिग्री दिया हुआ था, तो एंगल सम प्रॉपर्टी जो है आपने लिख के तो एंगल ओ की वैल्यू 120 डिग्री, ओके बेटा। अगर आपने ड्रॉ कर लिया है तो शो मी ऑन योर स्क्रीन बेटा, इफ यू हैव ड्रॉन इट, मेरी फिगर थोड़ी बड़ी बनेगी, ब्लैक बोर्ड पे बनाई है मैंने, ठीक है मैं स्केल भी बढ़ा लेती हूँ,
मतलब जो आपका 5 सेंटीमीटर है वो मेरे यहाँ 10 होता है, ठीक है। मैंने स्केल थोड़ा लार्ज वाला लेती हूँ। चलिए देखिए किसने किसने बनाया, लेट अस सी। ओके तान्या, आरजी, लेट अस सी। चलिए तान्या को पिन किया मैंने, यस वेरी गुड, वेरी गुड तान्या। चलिए एड पिन, आरजी की बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, यस महक। लेट अस सी, यस ओके प्रिंसी। बस ये 4 बच्चों ने, बाकी बच्चे बाकी ने भी तो करना है बेटा। हाँ जी रियान, रायना, दक्ष, दीक्षांत, कहाँ गए बाकी मेरे बच्चे, भानु, रिदम, संयम, हाँ जी आर्यन, जसलीन, नव्या, क्या हो गया प्रक्षित, सिर्फ ये 4 बच्चों ने थोड़ा कंस्ट्रक्शन करनी है, बाकियों ने पेपर में नहीं करनी। बिसम व्हाट हैपेंड बेटा, व्हाई यू आर नॉट शोइंग इट टू मी। दिव्यांश क्या हो गया, दक्षिता, मन्नत, मैम माय लैपटॉप्स कैमरा इज नॉट वर्किंग। ठीक है जी, तो आई थिंक यू ऑल आर एबल टू डू द कंस्ट्रक्शन, बहुत इजी है, सबने बना ली बाकी बच्चों ने। चलो नहीं भी दिखानी, थम्स अप इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। मैं देखती हूँ कितने बच्चों ने को समझ आ गया। हाँ जी लक्ष्य, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम लक्ष्य टंडन, महक ने डन, मन्नत ओके गुड 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 वेरी गुड। चलिए डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नाउ लेट अस डू द फिफ्थ क्वेश्चन, लेट अस डू द फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए बेटा फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या गए, हाँ जी ड्रॉ अ लाइन एबी ऑफ 8 सेंटीमीटर। चलिए सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करते हैं मेरे पास। ये मेरे पास 8 सेंटीमीटर की एक लाइन होगी एबी, ओके 8 सेंटीमीटर। ओके नाउ व्हाट इज रिटन हियर, टेक अ पॉइंट ए, या टेकिंग ए एज सेंटर, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब उन्होंने कहा है कि मेरे पास जो है आप एक सर्कल बनाइए ए को सेंटर लेके, और 4 सेंटीमीटर का जो है आप सर्कल लोगे। ओके तो लेट अस ड्रॉ, मैंने ए 4 सेंटीमीटर ओपन करके ए को सेंटर करके मैंने एक सर्कल बना लिया है। चलिए ठीक है जी, दिस इज माय 4 सेंटीमीटर, ओके क्लियर। नाउ व्हाट इज रिटन हियर, टेकिंग बी एस सेंटर, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब मुझे कहा है कि बी को सेंटर लेके अब मुझे 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है। अब मैंने 3 सेंटीमीटर कंपस ओपन की और आई टेक बी एस सेंटर और मैंने जो है एक और सर्कल ड्रॉ कर लिया। लीजिए ओके पॉइंट राइट हियर, दिस इज 3 सेंटीमीटर। ओके बेटा नाउ नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। अब उसने कहा कि इस सेंटर से इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो, इस सेंटर से इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो, कोई मुश्किल नहीं। हम भूल जाते हैं कि इधर सर्कल है, कोई भूल जाओ, मान लीजिए ये आउटसाइड पॉइंट है और इस पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो क्या करते हैं, सेंटर और एक्सटीरियर पॉइंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हाफ से ज्यादा एक ही बार होगा, चाहे उधर से लेना चाहे इधर से देखना, वो सेंटर एक ही बार होगा। मैंने ऊपर और नीचे और इधर से बार बार नहीं लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि दोनों पॉइंट्स तो सेम ही है ना मेरे पास होंगे। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ओके बेटा अब क्या करें, यहाँ पर ये नया सेंटर आ गया ना, न्यू सेंटर इज देयर।
अब क्या करेंगे यहाँ पर न्यू सेंटर पे मेरे पास लोग हैं, आप सेंटर रखिए पे कंपास ओपन कीजिए ऊपर और नीचे आंख लगा दे सेम इस साइड पे लगा दीजिए क्योंकि वो सेम ही रहना है बेटा सेंटर, तो हमें बार बार ओपन करने की जरूरत है। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब हम इस वाले से इधर स्केल जो है आप पूरा कॉर्नर पॉइंट्स पे रखोगे, लीजिए ये हो गया। नाउ दिस टुवर्ड दिस पॉइंट ज्वाइन इट सेम हियर फ्रॉम दिस टू दिस फ्रॉम दिस टू दिस। दिस इज योर रिक्वायर्ड फिगर। ओके तो आप इसको लेबल कर दोगे, ये मेरे पास लोगे सी नाम दे दे, ठीक है इसको डी नेम दे दे और ई एफ। क्लियर बेटा? अब यहां पर आपके पास ए एफ और ए ई की लेंथ इक्वल होगी और बी सी की लेंथ और बी डी की लेंथ इक्वल होगी। पूछी है या नहीं पूछी, आपने ड्रॉ की है, आपने मेजर जरूर करनी है। एक तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारी कंस्ट्रक्शन सही है कि गलत। क्लियर बेटा? चलिए शो कीजिए मुझे किसने किसने बना लो। आई एम गिविंग यू द टाइम, शो इट टू मी जल्दी जल्दी। ओके तान्या हैज मेड इट, वेरी गुड। लेफ्ट पे कीजिए थोड़ा सा तान्या। हाँ जी गुड। लेट अस सी दक्षिता ने क्या बनाया है। वेरी गुड दक्षिता, ओके गुड। बाकी बच्चे? हाँ जी महक आरती जल्दी कंप्लीट कीजिए। गुड बेटा गुड। ओके महक हैज मेड इट, वेरी गुड। आरती मेड इट, गुड। हरसिमर दिखाइए बेटा, हरसिमरन कौर इफ यू हैव डन यू कैन शो इट टू मी। वेरी गुड वेरी गुड प्रिंसी, वेरी गुड। ओके दैट्स गुड। बाकी बच्चे बेटा? लक्ष्य, जिया, धवन, हरलीन, बहुत सारे बच्चे हैं जो कर सकते हैं, है ना, सारे कर सकते हैं, बट मुझे शो करोगे तो बेटा आई विल चेक वेदर यू हैव डन करेक्टली और नॉट। जल्दी जल्दी जल्दी, आई हैव गिवन यू द टाइम बेटा, कंप्लीट इट। जो सिक्स एंड सेवेंथ क्वेश्चन है साथ साथ बनाओगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू डू इट। ओके बाकी बच्चे बेटा? महक, पार्थ, रियान, रिदम, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप लोग मुझे दिखाएं ना, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। मेरी क्लास बहुत अच्छी है सारे बच्चे, but they are not showing me, it's too bad. चलो do the next question. चलिए क्योंकि आप साथ साथ करोगे तो बेटा आपको ये कंस्ट्रक्शन समझ आएगी और कोई मुश्किल नहीं है ये चैप्टर। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर सिक्स। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स में बेटा, लेट ए बी सी बी द राइट ट्रायंगल। मुझे राइट ट्रायंगल फॉर्म करनी है एंड इट इज रिटन दैट राइट एंगल एट बी, दैट मींस हियर आई हैव टू मेक एंगल 90 एट बी एंड ए बी दैट इज 6 सेंटीमीटर एंड बी सी दैट इज 8 सेंटीमीटर। दिस इज गिवन टू मी। पहले इतना काम करते हैं फिर देखते हैं आगे उन्होंने क्या रिक्वायरमेंट मेरे से पूछी। ठीक है लेट अस सी। अब सबसे पहले आई हैव टू टेक 8 सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करूंगी। ओके आई एम ड्रॉइंग अ लाइन ऑफ 8 सेंटीमीटर। ओके बी सी 8 सेंटीमीटर। ओके नाउ एट बी आई हैव टू मेक 90 डिग्री।
कंपलसरी बनाना है, मैं बार बार कह रही हूँ, तो बेटा मेक इट एंगल 90 डिग्री विद द कंपस। चलिए 90 डिग्री तो आप लोगों को बनाना आता है ना सबको, हमने पिछली फिगर में भी बनाया था। चलिए शाबाश, एंड मेक इस पॉइंट को रीजन पॉइंट से हम जॉइन कर देते। ओके जी, नाउ कट 6 सेंटीमीटर ऑफ आर्क लेंथ। ठीक है, तो हमें कंपास से 6 सेंटीमीटर ओपन करूंगी। ठीक है, एंड आई कट फ्रॉम बी टू गेट अ पॉइंट ए। ओके, मार्क दिस पॉइंट ए। नाउ आफ्टरवर्ड व्हाट आई विल डू, आई विल जॉइन। अब देखो मेरा स्केल छोटा पड़ गया ना, आपका भी छोटा पड़ सकता है, तो मैं लार्जर वन आई कैन ऑप्ट इट एंड आई कैन जॉइन इट। ओके, तो मेरे पास ये एबीसी ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, दिस इज 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज 8 सेंटीमीटर। ये इतना काम मेरा हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा बी डी इज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम बी टू ए सी। अब देखो, अगर आपको याद हो 8th में मैंने ये चीज बताई हुई थी आप लोगों को कि अगर एक्सटीरियर पॉइंट से किसी भी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना हो ना, तो हम क्या बनाते, कढ़ाई बनाते। मैं हमेशा बोलती थी कढ़ाई और आप हंसते थे। आप ही की क्लास को मैंने ये पढ़ाया, याद है कि नहीं? यू रिमेम्बर दिस और नॉट? हंसते थे जब भी मैं बोलती थी कि कढ़ाई बनानी है ना। तो देखिए 2 साल पहले की बात है, तो है ना, यहाँ पर मैंने ऐसे बनाया और मैंने आग लगानी है सो दैट इट कट। देखो कढ़ाई जैसी शेप बन गई। ओके, किसी की थोड़ी विड्थ ज्यादा होगी, किसी की कम, बट इंटरसेक्ट करनी चाहिए इस लाइन को। उसके बाद हम जहां पर वो इंटरसेक्ट करती है उस कर्व की है ना, जितनी कढ़ाई बनी है उससे हाफ से ज्यादा ओपन करके कट करेंगे, एक बार इधर से और एक बार इधर से। ओके, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा नेक्स्ट जो है, व्हाट वी हैव टू डू हियर। मेरे पास ये ओरिजिन और यहां से ये ज्वाइन करेंगे, ये लीजिए, एंड आई कॉल्ड दिस पॉइंट एज डी 100% ये परपेंडिकुलर, बी डी परपेंडिकुलर हो गया मेरे पास। ओके, उसने कहा था कि बी डी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू ए सी। मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। नाउ व्हाट दे आर सेइंग, ड्रॉ ए सर्कल पासिंग थ्रू बी सी एंड डी। अब एक सर्कल बनाना है, ठीक है, जो बी सी और डी से पास आउट हो रहा है। तो बेटा कैसे बनाते हैं, अगर आपको एक ट्रायंगल पता है ना और आप चाहते हैं सर्कम सर्कल बनाओ, तो आप किन्हीं टू साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लो। ओके, यू विल गेट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, फिर वर्टेक्स से ओपन करके उतना रेडियस खोल के ये सर्कल बन जाए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, एनी टू साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आई एम ड्रॉइंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी टू साइड्स, दो साइड्स का। चलिए हम ड्रॉ करते हैं किन्हीं दो साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मेरे पास बेटा लेट अस ड्रॉ, आप किसी भी टू साइड्स का, मैंने आपसे ज्यादा किया ओपन इधर और नीचे, देन टू दिस साइड। अब ये कट नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं, मैं वापस दूसरी साइड पे जाऊंगी। ठीक है, इसको एक्सटेंड करूंगी। ओके, और ये एक्सटेंड। ओके, तो मेरे पास जो है यहाँ पर एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। लीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब जो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करता है, ये नहीं। अब किसी और साइड का, इसका भी ड्रॉ कर ले, नीचे मिलेगा, आपकी मर्जी है, आप बी डी का कर लो, इट इज अप टू यू, कोई फिक्सेशन नहीं है यहाँ पर। मैं बी सी का करूंगी क्योंकि उधर ऑलरेडी बहुत कर्व्स ड्रॉ की गई है, खिचड़ी पकी हुई है उधर ऑलरेडी। ठीक है, इधर इधर, देन ये, तो मेरे पास
एक और जो है मैं लाइन दूसरी कलर पेन जो है चौक से ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। लेट अस ये लीजिए, वेयर दीज टू लाइंस परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट दैट इज द सेंटर ऑफ इट सर्कल। मेरे पास आ गया, ठीक है। अब सेंटर आ गया, सेंटर के बाद क्या करेंगे, कंपास को इस सेंटर पे रखेंगे और किसी भी वर्टेक्स तक, चाहे बी तक, चाहे डी तक, चाहे सी तक, ओके क्लियर। आप खोलोगे तो देखो बिल्कुल बराबर आएगा, तो आप सर्कल ड्रॉ करोगे। मेरा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, रीजन की ब्लैक बोर्ड पे इसको पिन करना मुश्किल होता है, आपकी कॉपी पे इजीली बनता, ओके। तो मैं अब ड्रॉ करने लगी हूँ, मैं चौक चेंज करने लगी हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी ज्यादा हो। लेट अस ड्रॉ इट विद सम अदर चौक, ठीक है। तो आपको पता चल रहा है कि मैम ने ये सर्कल ड्रॉ की है, लेट अस ड्रॉ इट। चलिए, तो मैंने ओपन किया, ओके। तो आई एम ड्रॉइंग द सर्कल, मेरा थोड़ा सा अंदर बाहर हो सकता है बेटा, मैं आपको कह रही हूँ, क्योंकि एक तो ब्लैक बोर्ड पे एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होता हमारे पास, और एक कंपास हिल जाती है हमारे से, ठीक है जी, ओके। आपकी ऐसे ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल इन वर्टेक्स से पास होगा सर्कल, बिल्कुल। मेरा इधर सी पॉइंट से थोड़ा सा अंदर हो गया, ओके हमारा एक काम हो गया। उन्होंने कहा सर्कल ड्रॉ करो, मैंने कर दिया। नाउ व्हाट इज रिटन एट द एंड, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए टू दिस सर्कल। अब टेंजेंट ड्रॉ करना है, भूल जाओ सब कुछ, एवरीथिंग यू फॉरगेट इट, है ना। तो अब क्या करेंगे, सेंटर एक हमें सर्कल का पता है, पता है ना, जो मैंने पॉइंट डार्क किया हुआ है, सेंटर पता है मेरे पास कि दिस इज द सेंटर, ठीक है। मैं अब पर्पल से आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, थोड़ा आपको विजिबिलिटी होगी। तो ग्रीन चौक ले लेते, मैंने सेट किया पेन चौक को बराबर, ठीक है। और मेरे पास जो है ये सेंटर, ये एक्सटीरियर पॉइंट आउटसाइड द पॉइंट, तो क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो मैं डिफरेंट चौक से इसको ज्वाइन करने लगी हूँ, ये लीजिए, ये मेरा। अब क्या करते होते थे, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, तो ड्रॉ किया। अब सारा काम पुराना ही, हाफ से ज्यादा ओपन इधर नीचे, ओके। देन अपने आप आपको पता चलेगा जो न्यू, पहले पहले लाइट बनाते जाओ, फिर थोड़ा डार्क करते जाओ, ओके। ये पॉइंट आया और मेरे पास ये पॉइंट आया, अब इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे, ओके। स्केल बड़ा ले लेते हैं थोड़ा हम, ये नीचे मैंने ये पर्पल लाइन जो आई मेरी, ये अब आई गेट न्यू सेंटर। ये देखो मैंने थोड़ा आपके लिए डार्क किया, आपने ऐसे नहीं करना, ओके। अब क्या करते होते थे, कंपास यहां रखते थे और न्यू सेंटर और पुराने सेंटर के बीच में डिस्टेंस देखते थे, कहते थे ना, मैं ये वर्डिंग यूज करती हूँ, अदरवाइज ये कोई एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं है, बट समझाने के लिए, ओके। तो मेरे पास जो है, मैंने क्या किया यहाँ पर, ये न्यू सेंटर ओल्ड सेंटर जितनी ओपन की और सर्कल के एक, और मैं बता दूं एक वही पॉइंट आएगा जहां पर ऑलरेडी आपका टेंजेंट है, ये बता, क्योंकि ये 90 डिग्री बना, 100% वही आएगा। अब मेरे पास जो है, मैंने ज्वाइनिंग करने लगी हूँ, ये वाला तो ऑलरेडी ये है और एक ये वाला, ऐसे ही बनेगी ये कंस्ट्रक्शन। बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड दिखने में लगती है, बट हमें पता चल जाता है, मार्क दिस पॉइंट एज डी और क्लियर कट ए बी और ए डी की लेंथ बराबर हो। समझ आई बेटा, क्लियर टू एवरीवन, ठीक है, क्लियर टू एवरीवन, कोई डाउट तो नहीं यहां तक, ठीक है। कंप्लीट करना और हम लोग जो है लास्ट क्वेश्चन और फर्स्ट एक्सरसाइज का हमारा क्वेश्चन है
वो हम डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर बेटा।